नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट IRFC, जिनके शेयर प्राइस में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिला। लगभग 5% का इसमें गिरावट देखा जा सकता है। अभी ये कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेसिस्टेंस होगा, किस कारण से इतनी गिरावट आई, सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC के बारे में। IRFC क्या है? IRFC फंडिंग आर्म है, फंडिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फंड बोरो करती है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट व्हिच आर देन लीज्ड आउट टू इंडियन रेलवेज एज फाइनेंस लीज। सो फंडिंग आर्म है इंडियन रेलवे के लिए। मार्केट कैप देख सकते हैं 63761 का है, काफी बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस 48.8 का है। कंपनी ने हाई बनाया था 52.7 का, लो है 20.6। स्टॉक का पी 10.3 है, बुक वैल्यू 36 का है। डिविडेंड यील्ड 1.63%, ROCE 5.32%, ROE 14.7%, और फेस वैल्यू कंपनी का है 10। तो अब इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, उसके पीछे दो रीजन है। एक तो पहला बता चाहूंगा कि एक तरफा मूव इसमें देखा गया है, लगभग 130% का, 130% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना वाजिब था, सबसे पहला चीज। दूसरा था कंपनी का रिजल्ट जो रहता है, एक्सपेक्टेशंस जो एक्सपेक्ट किया गया था वैसा रिजल्ट नहीं आया। और तीसरी न्यूज थी अबाउट OFS। तो OFS को लेकर के न्यूज आने के बाद इसमें काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सभी चीजों को एनालाइज करते हैं, रिजल्ट कैसा है वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, इस कारण से भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं पीयर कॉम्पिटिशन में सेकंड नंबर में आपका IRFC है। आप पूरे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया इसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज है ये, देख सकते हैं आप यहाँ पर जून 2022 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। जून 2023 से, 2023 से सेल्स 5627 से बढ़कर के 6667, सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स में इंक्रीज देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखिए 1662 से बढ़कर के 1557 है। तो यहाँ पर भी सेल्स, ऐसे तो सेल्स अच्छा आया है, लेकिन अगर हम लोग मार्केट एक्सपेक्टेशन से बात किया है तो उसको ये मीट नहीं किए। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ये चीज को लेकर के। मार्च 2023 को देखिए, ये यानी लास्ट क्वार्टर से अगर क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर कीजिएगा तो वहां भी आप देखिएगा तो सेल्स में आप देखिएगा काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। सिमिलरली अगर नेट प्रॉफिट भी चेक कीजिएगा तो यहाँ भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो रिजल्ट तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर पाए, इस कारण से थोड़ी गिरावट देखने को मिला। लेकिन क्या ये गिरावट रहेगा कंप्लीटली और किधर चला जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ सपोर्ट लेगा उसको चेक करना ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में देखिए कंपनी का प्रमोटर्स का देखिए 86.36, यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ प्रमोटर जो है वो डिक्रीज करेंगे अपने शेयर को, OFS को डिक्रीज करें बाय OFS, उसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर दैट FII देखिए 1.15 था जो गिर करके 1.14 हुआ है, मामूली सा डिक्रीज है। DI 2.62 से गिर करके 2.02 हुआ है। और यहाँ पर अपना पब्लिक का स्टेक जो रहता है कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, 10.49 है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी OFS भी स्टार्ट हुआ है, टेक्निकल एस्पेक्ट को भी जरा चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली स्टेट किया था कि आपके लिए सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, और एग्जैक्टली देखिए यही सपोर्ट इसके लिए बना, यही सपोर्ट इसके लिए बना जो मैंने लाइन खींचा था 45 रुपीज का, अप्रोक्सीमेटली 45 रुपए का मैंने सपोर्ट बताया था। रिजल्ट के बाद इसमें 45 रुपीज का ही सपोर्ट आया। रेसिस्टेंस भी मैंने बताया था 52 रुपीज 50 पैसा का, वहीं पर। तो ये कैंडल जो रहता है एक एक इंडिसिसिव कैंडल फिर से फॉर्म हो रहा है, ये वीकली चार्ट है, बताना चाहूंगा। सपोर्ट रीजन मैंने क्लियरली स्टेट किया था, मेरे लास्ट वीडियो का वॉच कर सकते हैं। अभी भी सपोर्ट इसके लिए 45 रुपीज का रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट हर्डल 48 भी है, 48 ये कैंडल का जो हाई है ये भी इसके लिए एक अभी सपोर्ट का ही काम करेगा। 48 रुपीज टूटेगा तो आपको 45 रुपीज 42 रुपीज तक का दर्शन हो सकता है। क्योंकि OFS का न्यूज है यहाँ पर, अभी OFS किस प्राइस में आएगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर कमिंग वीडियोस में, आपको बताता रहूंगा। सपोर्ट रीजन मैंने आपको बता दिया, 48 सपोर्ट अभी करंटली है। दूसरा सपोर्ट इसके लिए 45 है, 42 है। ओके, और अभी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द न्यूज, OFS का न्यूज क्या है। सो दिस इज द न्यूज, और इसमें बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि सेंटर कंसिडरिंग स्टेक सेल इन IRFC वाया OFS। ओके, OFS के थ्रू सेंटर सेल करने की बात कर रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है, हैविंग सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट डीपम ने डिसाइड किया है, एंड इंडियन एंड रेलवे मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड कंसल्टेशन टू डिसाइड ऑन क्वांटम ऑफ स्टेक डाइल्यूशन।
तो आप जो स्टेक इनका है उसको डायल्यूट करने की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट हैज टू डायल्यूट, उनको मजबूरी है करना अपना 11.3% स्टेक इन IRFC टू मेक द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंप्लायंट टू सेबी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो सेबी का रूल के अनुसार MPS रूल है कि आपको 75% ज्यादा होल्ड नहीं करना है, और यहाँ पर सेंटर को अपना जो स्टेक है 11.36% डिक्रीज करना पड़ेगा। एज पर MPS नॉर्म, लिस्टेड एंटिटी मस्ट हैव मिनिमम पब्लिक फ्लोट ऑफ 25% विद इन 5 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के 5 साल के बाद आपको ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्टेक देख सकते हैं 86.36 का है, अभी वो डिक्रीज होगा 11.36, तो घट करके 75 हो जाएगा, और ये 11.36 जो है परसेंटेज जो रहेगा ये ऑफिस के थ्रू सेंटर अभी स्टार्ट करेगी। और किस प्राइस में होगा, कितने प्रीमियम में होगा, या कितना आपको कितना परसेंट डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, सभी चीज को मैं आपको फ्यूचर आपको वीडियो में बताता रहूंगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, कॉल का रीजन क्या है, एक तो रिजल्ट हो गया, दूसरा काफी बड़ा मोमेंटम आपको लगभग 130% 120% क्वालिटी रिटर्न आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग वाजिब था। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, 48 या 45 से अगर सपोर्ट लेकर के फिर से अगर मूव ऊपर की ओर स्टार्ट होगा तो आपको 55 का लेवल फिर तुरंत दिखाएगा। अभी चार्ट काफी बुलिश है। ओके, सो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलू प्रसन्न को थैंक यू।